अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो है हाई प्रोस्टी वाले लोगों के लिए, जिनके बाल हाई प्रोस्टी के हैं। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी, कमेंट सेक्शन मेरा ना भर जाने लगा था, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, कि हमें हाई प्रोस्टी पे हेयर केयर चाहिए। क्योंकि मैंने लो प्रोस्टी पे बहुत सारी वीडियो शेयर कर दी हैं, मीडियम प्रोस्टी पे भी एक वीडियो शेयर की है, हाई प्रोस्टी को मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ी इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। और मैंने अब तसल्ली के साथ जब हाई प्रोस्टी की सारी हेयर केयर एक बंदी पे टेस्ट कर ली है, और जब मुझे यकीन आ गया कि दीज थिंग्स आर वर्किंग, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि ये वाली हाई प्रोस्टी की जो हेयर केयर है ना, ये बहुत बेस्ट है, और आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपके बाल हेल्दी रहें, हेल्दी ग्रोथ हो, आपकी हेयर डेंसिटी इंक्रीज हो, बाल फ्रिज फ्री रहें, जो आपके जो मेजर मेजर इश्यूज़ है ना, सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आज की जो वीडियो है वो हाई प्रोस्टी वाले लोगों के लिए है, ठीक है। आप लोगों के सारे इश्यूज इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और इतनी बेस्ट 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 हेयर केयर रूटीन है ना, आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करके देखिएगा, आपको अपने हेयर में प्रॉपर एक डिफरेंस फील होगा, और आपको आस्ते आस्ते कॉम्प्लीमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो लाजमी कर लें, ठीक है। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलें जी वीडियो स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों को ये बता दूं कि हाई प्रोसिटी बाल होते कौन से हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपनी हेयर प्रोसिटी चेक नहीं की, यहाँ पे एक लिंक दे रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आपने देखना है, आपने इसमें जो मैंने मेथड, इजिएस्ट मेथड मैंने बताया है हेयर प्रोसिटी चेक करने का, आपने उस मेथड को फॉलो करना है, अपनी हेयर प्रोसिटी चेक करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी हेयर केयर स्टार्ट करनी है। अब हाई प्रोसिटी कौन सी होती है? हाई प्रोसिटी वो होती है जब आप पानी के अंदर अपना बाल डालेंगे, ठीक है। आपने इर्द गिर्द को जो उसके ग्लास के कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको बाल टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने बिल्कुल मिडल में डालना है। अगर वो बाल आपका बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी नीचे जो सतह होती है उस पर लग जाता है, तो आपकी क्या है? हाई प्रोसिटी है। हाई प्रोसिटी बाल जो होते हैं ना, वो आपने जो अक्सर फटे फटे से बाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिनमें फ्रिज होती है, जिनमें शाइन बहुत कम होती है, जिनमें आप कह लो कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता, ड्राई डल से जो बाल होते हैं ना, वो हाई प्रोसिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपके बाल इस तरह से हैं जिनमें शाइन नहीं, जिनमें फ्रीज बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर लॉक नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा डल से रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई से रहते हैं, जिनमें आप मॉइस्चर अभी लॉक करते हो, तो फ़ौरन से आपके बाल अगेन से बम फट जाता है, ठीक है। अगर आपके इस तरह से बाल हैं, यानी अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बालों की, तो आपकी हाई प्रोसिटी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाई प्रोसिटी हेयर्स में क्यूटिकल्स बहुत खुले हुए होते हैं, ठीक है। हमारे बाल जिस तरह से हमारी बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं जिनमें से पसीना बाहर आता है, इसी तरह से हमारे बालों के अंदर छोटे 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 से क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। लो प्रोसिटी के क्यूटिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि अंदर मॉइस्चर लॉक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार मॉइस्चर लॉक हो जाए तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मीडियम प्रोसिटी वाले लोग तो बहुत बेस्ट हैं, बहुत मजे में, ठीक है, किसी चीज़ की ना उनको टेंशन ही नहीं है। वो लोग जिनकी हाई प्रोसिटी होती है, उनको मसला ये होता है कि उनका मॉइस्चर लॉक करना बहुत आसान है, बहुत आप कह लो ना कि, क्योंकि क्यूटिकल्स खुले हुए होते हैं, आप कुछ भी लगाओगे ना आपके बाल फौरन हाइड्रेट हो जाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी मॉइस्चर लॉक होता है ना, उतनी जल्दी मॉइस्चर गायब हो जाता है, ठीक है, बाल फौरन से ड्राई हो जाते हैं। इसलिए इनको ऑलवेज हाइड्रेट रखना, मॉइस्चराइज रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की जितनी भी हेयर केयर है ना, सारी मॉइस्चर के इर्द गिर्द घूमने वाली है कि हमने बालों के अंदर मॉइस्चर कैसे लॉक करना है। स्टार्ट करते हैं विद ऑयल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाई प्रोसिटी के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर तो आप हेयर ग्रोथ पे पर्टिकुलरली काम कर रहे हो, अगर आप हेयर फॉल पे काम कर रहे हो, अगर आप लाइक किसी ब्रांड का ऑयल यूज़ कर रहे हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप आराम से वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके अंदर थिक ऑयल्स हैं तो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको जितनी प्रोडक्ट्स बताई हुई है ना पहले, बेशक वो लो प्रोसिटी की हैं, मीडियम प्रोसिटी की हैं, हाई प्रोसिटी की हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स हर प्रोसिटी वाला बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो इतनी यानी न्यूट्रल प्रोडक्ट्स हैं। अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स लो प्रोस्टी के लिए वर्क कर रही है ना, डेफिनेटली डेफिनेटली मीडियम प्रोस्टी के लिए भी काम करेंगी और हाई प्रोस्टी के लिए भी काम करेंगी, ठीक है। हाई प्रोस्टी वाले लोगों के लिए ना एडिशन हो जाती है। एडिशन क्या होती है कि आप लोग मलाई मक्खन वाली चीजें, बटर वाली चीजें जो है ना, आराम से हैवी वाली चीजें भी यूज कर सकते हो। लाइट चीजें तो आप यूज कर ही सकते हो, लेकिन हैवी चीजें भी आप लोग बहुत आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑयल जो आप लोगों ने यूज करना है फॉर डीप ऑयलिंग, ठीक है। डीप ऑयलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने कोई पर्टिकुलरली एक ऑयल लेना है, उसके साथ आपने ऑयलिंग करनी है। सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल के साथ आप डीप ऑयलिंग करो, ठीक है। वंस अ वीक आपने डीप ऑयलिंग करनी है। आप संडे का दिन
फिक्स कर लो कि आपने उसमें डीप ऑयलिंग करनी है, ठीक है। तो आप लोग कोकोनट ऑयल ले सकते हो, आप लोग कैस्टर ऑयल ले सकते हो, आप लोग ऑलिव ऑयल ले सकते हो, आप लोग एवोकाडो ऑयल ले सकते हो। ये चार ऑयल जो है ना, ये हाई पोरोसिटी के लिए बेहतरीन ऑयल्स हैं, ठीक है, डीप ऑयलिंग के लिए। अगर वैसे आप अपनी हेयर ग्रोथ पे काम कर रहे हो तो वैसे भी ये चीजें, ये वाले ऑयल बहुत वर्क करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो जो मैंने पहले प्रोडक्ट्स बताई हुई हैं, आप उनमें से कोई एक किसी ब्रांड का अच्छा सा हेयर ऑयल ले लो, ठीक है, जिसकी जिसके अंदर ज्यादा सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट हो सके। तो मैंने यहाँ पे, मैं कुछ लिंक्स वगैरह भी अटैच कर देती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे पिक्चर्स शो कर देती हूँ, तो आप लोगों ने ये जो मैं पिक्चर्स शो करी हूँ ना, आपने ये इनमें से कोई भी जो ऑयल आपको सूटेबल लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आपने वो ले लेना है, ठीक हो गया जी। वीक में आप 2 बार ऑयल लगा सकते हो, 2 बार ऑयल लगाना इनफ होता है, ठीक है। 2 से 3 बार आप ऑयलिंग कर सकते हो अगर आप रोजमेरी वाटर या फिर अनियन जूस नहीं यूज करें, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना ये 2 चीज यूज करते हैं फॉर हेयर ग्रोथ। अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए अनियन जूस इज दी बेस्टेस्ट, ठीक है, इतना बेहतरीन है, मैंने खुद वो यूज किया हुआ था। अब जो है ना, मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जो अनियन जूस है वो इसके लिए बहुत बेस्ट वर्क करता है फॉर हेयर ग्रोथ एज कम्पेयर टू रोजमेरी। रोजमेरी वाला जो आपका प्रोसेस होता है ना वाटर यूज करने वाला, वो थोड़ा स्लो है, वो आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन जो अनियन जूस है ना, इतना रिमार्केबल है, बिलीव मी, वो इतना बेस्ट वर्क करता है। आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, आपको थोड़ा सा ना हेयर फॉल होता है, देन वो एडजस्ट हो जाता है। वो तो आप कोई भी न्यू चीज लगाओगे, आपको थोड़ा हेयर फॉल होगा, देन वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने अनियन जूस या रोजमेरी वाटर में से अगर कोई एक चीज यूज करने का सोच रहे हैं, तो आपने रोजमेरी वाटर यूज करना है या रोजमेरी ऑयल यूज करना है, क्योंकि जो अनियन जूस है ना, वो बेशक हेयर ग्रोथ तो फास्ट करता है, लेकिन वो हाई पोरोसिटी के लिए उतना बेस्ट वर्क नहीं करता, क्योंकि हाई पोरोसिटी वाले बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। बाल आपके जो है रोजमेरी वाटर से भी ड्राई होंगे, इस वजह से आप लोगों ने उसको सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, ठीक है, आपने उसको बाकी लेंथ वगैरह पे नहीं लगाना, मैं आपको ये मशवरा दूंगी। तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं, आप इसके साथ अपनी वीकली हेयर केयर रूटीन बना लो, ए वीकेंड पे आप लोग ऑयलिंग कर लो, और अगर आप लोग इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रहे, तो आप वीक में 3 बार ऑयलिंग जो है ना कम से कम करो। 2 बार आप ऑयलिंग उस ऑयल से कर लो, किसी ब्रांड के ऑयल से जिसमें ज्यादा सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और 1 बार वीकेंड पे आप ऑयलिंग कर लो इनमें से जो ऑयल्स मैंने आपको 3-4 बताए हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग सेपरेटली यूज ना करो, बहुत बहुत ठीक होता है। उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लो, उसके अंदर कोकोनट ऑयल ऐड कर लो, कोई भी ऑयल ऐड कर लो, ऑलिव ऑयल ऐड ना करना, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी बहुत गर्म होता है। तो आप लोग इन में से किसी एक के साथ डीप ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयल जी हमारे हो गए डन, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। प्री वॉश में आ जाता है कि आपने ऑयल यूज करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि नेवर एवर वॉश योर हेयर विदाउट प्री वॉश हेयर केयर रूटीन, ठीक है। कभी भी अपने बालों को प्री वॉश हेयर केयर के बगैर वॉश ना करें, क्योंकि हाई पोरोसिटी वाले बाल पहले ही बहुत डल और ड्राई होते हैं। अगर आप लोग उनको वैसे ही कर लोगे वॉश, आप लोग उनको ऑयल नहीं करोगे, आप लोग उनको मास्क नहीं लगाओगे, तो आपके बाल मजीद ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर आ जाता है हमारे पास शैम्पू का। शैम्पू आपने कौन सा यूज करना है? ऑलवेज यूज सल्फेट फ्री शैम्पू। मैं यहाँ पे कुछ बेस्ट ऑप्शंस दे रही हूँ सल्फेट फ्री ऑप्शंस के। यहाँ पे आप लोग प्लश नेचुरल का शैम्पू यूज कर सकते हो, आप लोग ब्यूटी बूस्टर का शैम्पू यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। उसके बाद आप लोग रिवाइव नेचुरल का शैम्पू यूज कर सकते हो, उसके बाद आप लोग डव सल्फेट फ्री यूज कर सकते हो, हेजल इंटरनेशनल का शैम्पू यूज कर सकते हो, बायोटिन बूस्ट शैम्पू है, वो आपके स्कैल्प की केयर के लिए बहुत बहुत अच्छा है और हाइड्रेटिंग भी है। तो आप लोग इन में से कोई भी एक बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन उठा लो जो कि आपको अच्छा लगता है, और वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे मेरे टेस्टेड शैम्पूज हैं जो कि मैंने खुद यूज किए हुए हैं, मैंने टेस्ट करवाए हुए हैं हाई पोरोसिटी पे, तो मुझे ये अच्छे लगे हैं। तो आप लोग इनमें से तसल्ली बख्श हैं, आप लोग आराम से इनको उठा सकते हो। अगेन सारे डिस्काउंट कोड, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वैलिड लिंक्स होंगे, आप लोग उनसे चेक कर सकते हो। अब जा जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है कंडीशनिंग का। जब आप लोगों ने अपने बालों को वॉश कर लेना है, आफ्टर वॉश आपने क्या करना है, यानी ये बिल्कुल आफ्टर वॉश नहीं, बस हेयर वॉश के बाद, शैम्पू करने के बाद आफ्टर शैम्पू आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने बालों से सारा वाटर निकाल लेना है, ठीक है। सारा वाटर जब आप लोग अपने बालों से निकाल लोगे, तो फिर आप लोगों ने, यानी उनको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, आपने सिर्फ पानी निचोड़ लेना है, ठीक है। देन आप लोगों ने कंडीशनर लेना है। कंडीशनर का बेस्ट बेस्ट ऑप्शन, अगर रिवाइव नेचुरल का आप शैम्पू लेते हो, उसके अंदर कंडीशनर भी है, वो दोनों प्रोडक्ट्स यानी एक ही बॉटल में आपको मिल जाएंगे, आप लोग वो यूज कर सकते हो। उसके बाद जी हेयर पेनेट्री का कंडीशनर है जो कि इतना बेस्ट है ना, उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। पर्सनली आई लव दैट प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन बेस्ट कौन का जो प्रोडक्ट है ना, वो रिपेयरिंग कंडीशनर है। तो आप लोगों के लिए तो वो बहुत बहुत बेस्ट है, आप लोग वो यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने कंडीशनर अपने बालों पे लगाना है, बालों को वॉश करना है, 5 मिनट कंडीशनर लाजमी रखा करें, ठीक है। उसके बाद वॉश करना है आपने,
फिर है बारी आ जाती है लीव इन कंडीशनर की। अच्छा, मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लीव इन कंडीशनर लाजमी यूज करो। लीव इन कंडीशनर से क्या होता है, बालों में मॉइस्चर लॉक रहता है, ठीक है, बाल बहुत जल्दी फिर आपके डल नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, आपके बाल जिसे कहते हैं ना फटे वाले, वो वाले बाल नहीं होंगे बहुत जल्दी, यानी कि हो तो जाते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर लीव इन कंडीशनर लगा के रखते हो तो आपके जहाँ बाल जो है वो एक दिन में वो उस तरह सी कंडीशन में आ जाते हैं कि मॉइस्चर उनका उड़ जाता है, तो ये 2 दिन पे ले आएगा, ठीक है, 2 दिन का आपका मॉइस्चर लॉक रहेगा। तो आपने करना क्या है, लीव इन कंडीशनर यूज करना है। लीव इन कंडीशनर को आपने वॉश नहीं करना होता, उसको सिर्फ आपने अपने बालों पर छोड़ देना होता है, ठीक है, लगा के। तो वो आप लोग गार्नियर का यूज कर सकते हो, वो मेरा टेस्टेड है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। कंडीशनर यूज करना हाई पोरोसिटी वालों के लिए, इवन एवरी हेयर टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्चर तो बालों को चाहिए ही चाहिए, बालों को हाइड्रेशन चाहिए, और बाल इसीलिए आपके सिल्की और स्मूथ रहेंगे। अब आप लोग ये देख सकते हो कि मैं कभी भी कंडीशनर मिस नहीं करती, मैं कभी भी एंटी फ्रीज सीरम मिस नहीं करती। मैंने हेयर वॉश किया था 2 दिन पहले, ठीक है, अब मेरा अगेन कल हेयर वॉश करना है। अब 2 दिन पहले मैंने किया था और अभी तक आप लोग मेरे बालों देख सकते हो, मैंने बस ना हल्की हल्की सी फिंगर कॉम किया अपने बालों को, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ बाल हैं मेरे, बिल्कुल जो है ना वो फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल भी फटे हुए नहीं लग रहे, बिल्कुल भी फ्रीज नहीं लग रही बालों में, डल नहीं लग रहे, शाइनी लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहती हो कि आपके इस तरह से बाल रहे, तो फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, ये एक दो चीजें ना ले लो लास्ट। आपको एक चीज बताना भूल गई कि आप लोगों ने जब हेयर वो वॉश करना है तो मैं कहूंगी कि आपने अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश करना है, ठीक है, कोल्ड वाटर, आपने गर्म पानी की तरफ जाना ही नहीं। अगर आप गर्म पानी की तरफ जाओगे ना तो बाल आपके मजीद ड्राई होंगे, मजीद डल होंगे। तो आप लोगों ने ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश करना है, ठीक है। आफ्टर वॉश आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग वो जो हैवी टॉवल्स हम यूज करते हैं या फिर बालों को बांध देते हैं टॉवल में, प्रो टिप दे रही हूँ, बिलीव मी, आपको कोई नहीं बताएगा ये, कि आप लोगों ने अपने बालों को हैवी टॉवल्स में बांधने के बजाय टी शर्ट ले लो आप लोग, या फिर जो क्या होते हैं दुपट्टा ले लो अपना कोई भी, ठीक है, दुपट्टा वगैरह लेके आप उसके अंदर बालों को हल्का सा ना बस उनका सारा पानी निचोड़ लो, ठीक है, और बालों को खुला छोड़ दो। जब आपके बाल थोड़े से जो है ना वो ड्राई हो जाएंगे, देन आपने एंटी फ्रीज सीरम लेना है। एंटी फ्रीज सीरम आपने हेयर पेनेट्री का ही यूज करना है, ठीक है, इतना बेस्ट सीरम है, ठीक है, आप वो ले लोगे ना आपको किसी और चीज को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आपने हेयर पेनेट्री का सीरम लेना ना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मस्त हो, नहीं तो थोड़ी थोड़ी पॉकेट में जमा करके इसको लाजमी ट्राई करना, तो आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। आपने 3 ड्रॉप्स लेने हैं, 2 ड्रॉप्स लेने हैं, अपने हाथों पे रब करने हैं और अच्छी तरह से अपनी लेंथ पे लगा लेना है ताकि आपका मॉइस्चर लॉक हो जाए। सीरम लगाने के 5 मिनट बाद आपने क्या करना है, 5 से 10 मिनट के बाद, ठीक है, सीरम आपने कब लगाना है, जब बाल आपके 50% एटलीस्ट ड्राई हो जाएंगे तब आपने सीरम लगाना है, देन आपने अपने बालों को छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप अपने बालों को जुड़ा बना रहे हैं, ठीक है, मॉइस्चर लॉक करने का मजीद एक बेहतरीन पॉइंट बता रही हूँ, आपने जुड़ा बना लेना है, ठीक है, 10 से 15 मिनट जुड़ा बना के रखें, देन बालों को खोल लें, ठीक है। आपने बालों को खोल लेना है, फिर क्या होगा, मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपके बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं होंगे, बिल्कुल भी उनका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, शाइनी रहेंगे, ठीक है, आपके बाल हाइड्रेट रहेंगे। ये हो गया जी हमारा वॉश वाली रूटीन, आपको मैंने बता दी। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट, कहते हैं वीक में एक बार हेयर मास्क मस्ट है, ठीक है, फॉर एवरी हेयर टाइप, मैं कहती हूँ लो पोरोसिटी वाले, मीडियम पोरोसिटी वाले लोग फिर भी 10 दिन में एक बार लगा लें, लेकिन मैं हाई पोरोसिटी वालों को बोलूंगी कि आप लोगों ने प्रोटीन हेयर मास्क जो है, स्पेशली जो हैवी चीजों वाले होते हैं जिसके अंदर बटर आप ऐड कर सकते हैं, योगर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग शिया बटर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, आप लोग कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी इस तरह की हैवी चीजें हैं ना, आप लोगों के लिए बेस्ट टेस्ट हैं। आप लोग इनके साथ हेयर मास्क बना के अपने बालों को लाजमी लगाएं, वीक में 1 से 2 बार लगा लें, ठीक है, 5 दिन के बाद आप लोग एक बार लगा लो, इनफ है और बहुत बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग नहीं लगाओगे, अगेन आपको मॉइस्चर का मसला होगा, वही सारे इश्यूज। यहाँ पे एक मास्क की पिक्चर अटैच कर रही हूँ, ये मास्क बहुत बेस्ट है, बहुत 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 बेस्ट है, ठीक है, आप लोग ये मास्क लगाओ, शावर कैप या हीट कैप जो भी होती है आप वो पहनो, और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, देन आप लोग अपने प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश कर सकते हो। जिस दिन में आप लोगों ने हेयर वॉश नहीं करना, या आप लोग ये समझते हो, ये मॉइस्चर लॉक करने की एक और टेक्निक बता रही हूँ, सीलिंग का प्रोसेस होता है इसको कहते हैं, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, हेयर वॉश किए 1 से 2 दिन हो जाए, आपके बाल ज्यादा गंदे ना हो, तब आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ कंडीशनर अपने बालों की लेंथ पे लगा के तो भी उनको वॉश कर सकते हो। आप ये वाला जो मैंने अभी हेयर मास्क आपको बताया, आप ये अप्लाई करके ऐसे हेयर वॉश कर लो, शैम्पू करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मॉइस्चर लॉक कर सकते हो। होममेड हेयर मास्क की तरफ देख रहे हैं, तो होममेड हेयर मास्क मैंने अपने पेज पे बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, वो आप लोग यूज कर सकते हो।
मजीद एडिशनल चीजें आपको बता रही हूँ कि आप लोग योगर्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मास्क बताती हूँ आपको, आप लोग ने योगर्ट लेना है, ठीक है, आप लोग ने कोकोनट ऑयल लेना है, आप लोग ने एलोवेरा जेल लेनी है। आपने तीनों चीजों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपने बालों पे लगा लेना है। ये एक इतना बेहतरीन हेयर मास्क है ना, बिलीव मी, एक बार लगाने से ना आपको लगेगा कि बस बालों में ना जिंदगी आ गई है, ठीक है, बालों में जान आ गई है, आपको इस तरह फील होगा। तो आप लोग इस तरह के हेयर मास्क जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, इन वीडियोस को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको हेयर मास्क मिल जाएंगे जो कि आप लोग अपनी वीकली हेयर की रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टाइलिंग की, ठीक है। हर बंदा स्टाइलिंग करता है, आप घर रहते हो, आप बैठ जाते हो, आपने कॉम तो करनी करनी है, ठीक है। बाकी सारी जो पर्सनल दूसरी वाली टिप्स है ना, कह लो छोटी मोटी, वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप लोग उनमें से कोई वीडियो देख लो जहाँ पे आपको सारी टिप्स पता चल जाएंगी। वैसे आपको यहाँ पे स्टाइलिंग टिप दूंगी कि जो हाई पोरोसिटी हेयर वाले लोगों के लिए मैं कहती हूँ, हीट बिल्कुल एक बिग साइन ऑफ डेंजर है, ठीक है। क्यूटिकल्स खुले हुए होते हैं, बाल ना यूं डैमेज होते हैं, बिलीव मी। और जितने भी केमिकल प्रोसेस है, रिबॉन्डिंग है, या फिर कह लो कि आप लोगों की वो क्या होती है, ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितने भी केमिकल बेस्ड प्रोसीजर्स हैं ना, कभी भी नहीं लो, क्योंकि इससे ज़्यादा मैसेजेस जो रिसीव होते हैं हेयर फॉल के, डैमेज हेयर के, हेयर लॉस के, उनमें वो लोग हैं जिन्होंने केमिकल प्रोसीजर्स लिए हुए हैं। हाई पोरोसिटी वाले लोगों के लिए ये जो केमिकल बेस्ड प्रोसीजर्स हैं और ये जो हीट बेस्ड प्रोसीजर्स हैं ना, ये बिल्कुल जहर की तरह है, ठीक है। आप बालों को बिल्कुल डैमेज कर देंगे, मैं कहती हूँ तबाह कर देंगे, लाइक इस तरह से इतने खतरनाक प्रोसीजर्स हैं ये हाई पोरोसिटी के लिए। तो आप लोग डेली बेस पे कभी भी आयरन यूज ना करो, कभी भी स्टाइलिंग के लिए इस तरह की चीजें यूज ना करो। कभी कभार आप कह लो जब आपने वीक में एक बार कर लिया, 15 दिन में एक बार कर लिया, तो आप लोगों ने तब भी हीट प्रोटेक्टेंट लाजमी अप्लाई करना है, जो यहाँ पे मैंने आपको सीरम बताया था एंटी फ्रीज, वो हीट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वो ब्रेकेज को भी रिड्यूस करता है। हाई पोरोसिटी हेयर की एक क्वालिटी ये भी होती है, बहुत जल्दी बाल टूट जाता है, ठीक है, बाल बहुत वीक होता है। तो आप लोगों ने इस तरह के जो हीट प्रोटेक्शन सीरम्स वगैरह है ना, वो लाजमी अप्लाई करने हैं ताकि बाल सेफ रहें, ठीक हो गया। स्टाइलिंग के अंदर जो बेस्टेस्ट हेयर स्टाइल्स है ना, मैं वो ये बता देती हूँ, आप लोग लॉयर बन बना लो क्योंकि मॉइस्चर लॉक रहता है, आप लोग ब्रेड बना लो मॉइस्चर लॉक रहता है, या आप लोग जो ट्विस्ट बेस्ड हेयर स्टाइल्स होते हैं ना वो ट्राई कर लो, क्योंकि इनसे अगर आप लोग बाल खोलोगे तो आप लोगों के ड्राई बाल हो जाएंगे, ठीक है। हवा से आपका मॉइस्चर उठ जाएगा तो उससे क्या होगा, बाल अगेन आपके डल और फ्रिजी लगना शुरू हो जाएंगे। वो जो लोग कहते हैं ना कि हाँ अभी हमने स्ट्रेट किया, तो स्ट्रेट करने के बाद बाल ज्यादा फ्रिजी लग रहे हैं, बाल ज्यादा फूल फूल से गए हैं, थोड़ी देर के बाद ही फूल जाते हैं, ठीक है। तो वो यही इशू होता है कि मॉइस्चर बालों में लॉक नहीं रहता और बाल अगेन से वही बम सा फट जाता है, बाल जो है ना वो उड़े उड़े से लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये बेस्ट टेक्निक है कि आप लोग जो है ना वो इस प्रोसीजर के साथ चलें और इस तरह के स्टाइलिंग टिप्स के साथ चलें ताकि बाल हेल्दी रहें। दी लास्ट टिप इज कि रात को सोने से पहले सेटिन पिलो, जो सिल्क सेटिन पिलोज होते हैं, वो यूज करें, क्योंकि उससे बाल रब नहीं होते। अगर बाल रब नहीं होंगे, बाल कम टूटेंगे और बाल फ्रीजी भी नहीं होंगे, बाल में मॉइस्चर लॉक रहेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और टिप देंगे, रात को सोने से पहले अगर मैं लो पोरोसिटी वालों को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो या कोकोनट के फ्यू, कोकोनट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स आप लोग अप्लाई कर लो, तो हाई पोरोसिटी वालों के लिए ये टिप है कि आप लोग कैस्टर ऑयल के 2 ड्रॉप लेके अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई कर सकते हो। मॉइस्चर लॉक रखने के लिए आप लोग ऑलिव ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स यूज कर सकते हो, आप लोग कोकोनट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स यूज कर सकते हो। मैं जी यही थी वो सारी टिप्स जो कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड करनी थी, मैंने सारी नोट डाउन की थी साथ साथ कि ये चीजें और इस तरह से मैं चीजें अप्लाई करवा रही हूँ। तो इन्हीं के साथ मैंने अपने फॉलोअर्स को बतानी है कि आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, आपने इनको ट्राई करना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक देना है, जिस तरह से लो पोरोसिटी और मीडियम पोरोसिटी वाले लोग देते हैं। आई रियली होप ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेंगी, एंड बिलीव मी ये बहुत यूजफुल होंगी, आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एनी सॉर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, वहाँ पे आपको 1 से 2 दिन के अंदर मेरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक होती है इंस्टाग्राम पे, उसके बाद टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, तो सब कुछ चीज़ों को अलाइन करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से 1 से 2 दिन के अंदर मैं सारे मैसेजेस को, सारे कमेंट सेक्शंस को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह।